एक तरफ तो यूपी में पुलिस एक्शन में है तो दूसरी तरफ दिल्ली में गुंडे खुलेआम लोगों को डरा रहे हैं। आपको दिखाते हैं दिल्ली में बदमाशों की रंगदारी मांगने की वो तस्वीर। बदमाश बेखौफ होकर बड़े ही आराम से दिल्ली के एक बिजनेसमैन के ऑफिस में घुसे और बातचीत के दौरान पिस्टल निकालकर कारोबारी से 10 लाख रुपए की डिमांड की। उनकी ये सारी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई और उसके बाद क्या हुआ आप देखिए इस रिपोर्ट में। रंगदारी मांगने की ऐसी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। जरा देखिए, ये एक बिजनेसमैन के ऑफिस की तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में एक शख्स टेबल के इस तरफ अकेले बैठा है। इस शख्स का नाम है राजा खान, जो कि बिजनेसमैन है। मेज के दूसरी तरफ दो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। एक शख्स जो दाढ़ी रखे है और सिर पर हाथ रखे बड़े आराम से बैठा है। इसके ठीक बगल में दूसरा शख्स है जो चेयर पर बैठा हुआ है और तीसरा शख्स पीछे की तरफ सोफे पर है। अब जरा ध्यान से देखिए, बातचीत के दौरान सफेद कमीज वाला शख्स जींस से एक पिस्टल निकालता है और ब्लैक टी शर्ट पहने शख्स को पकड़ा देता है। ये शख्स बिजनेसमैन को धमकाते हुए ये पिस्टल ठीक उसके सामने टेबल पर रखता है। ये दोनों रंगदारी के लिए राजा खान को धमका रहे हैं। डिमांड है पूरे 10 लाख रुपए। काफी देर धमकाने के बाद एक बदमाश पिस्टल अपनी पैंट में खोस लेता है। 3-4 महीने से परेशान कर रहे थे तीनों भाई। ये बाद में फिर मुझे पिस्टल लेके मेरे ऑफिस आ गए और मुझे धमकी देने लगे कि अगर अपने पैसे नहीं दिए तो मैं आपको जान से मार दूंगा। बातचीत के क्रम में राजा खान अपने सामने रखे पिस्टल को दोबारा बदमाशों को लौटा देते हैं, लेकिन बदमाश नहीं माने। काफी देर तक बदमाश कारोबारी को धमकाते हैं और उसके बाद सफेद कमीज वाला बदमाश पिस्टल को वापस अपनी जींस के भीतर रख लेता है। यकीनन ये वीडियो हैरान करने वाला है। इन बदमाशों को रत्ती भर भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सीसीटीवी में इनकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है। इस पूरी घटना के बाद कारोबारी राजा खान ने दिल्ली के सीमापुरी थाने में शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की और इनमें से मुख्य आरोपी को धर दबोचा। बाकी बदमाशों के लिए पुलिस दबिश दे रही है। और फुटेज में क्लियर आ रहा था कि यहाँ सोनू खान आया था और इनसे रंगदारी की डिमांड कर रहा था। फुटेज के बेसिस पर आइडेंटिफाई भी हुए लोग और उनकी फिर अरेस्ट भी करी। सोनू खान इसमें अरेस्ट हो चुका है और पिस्टल जो है वो भी रिकवर हो चुकी है। ये अभी 3 लोगों का ही है और 2 लोग अभी इसमें गिरफ्त में नहीं आए हैं। सभी बदमाश गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस बहुत जल्द बाकी बदमाशों को पकड़ने का दावा कर रही है। अभय पाराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।